हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी SCERT पढ़ाई जा रही है, क्लास 6 से लेकर 8th क्लास की गृह शिल्प यानी होम साइंस। ठीक है, ये आपके होम साइंस के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपकी UPTT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जूनियर की सिलेबस में आपका गृह शिल्प सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, और साथ ही आप क्लास 6 से लेकर 8th क्लास तक की SCERT होम साइंस यानी गृह शिल्प को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज ये क्लास 8th का लास्ट चैप्टर है, धुलाई कला, और इसी के साथ ये क्लास 8th की SCERT फिनिश हो रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो वस्त्र हमारे प्रतिदिन जीवन के अभिन्न अंग है। तो वस्त्र हमारे प्रतिदिन जीवन के क्या है? एक अभिन्न अंग है। ठीक है, यह हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, ये हमारे जो व्यक्तित्व है उसको क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, वस्त्र पहनने पर गंदे हो जाते हैं बिल्कुल, उन पर धूल पसीना व किसी चीज़ के दाग धब्बे पड़ जाते हैं। वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे सूती, ऊनी, रेशमी। वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, सूती हो, ऊनी है, रेशमी, अतः इनकी धुलाई का तरीका भी अलग होता है। ये हर एक वस्त्र एक जैसे नहीं धुलते, ऊनी वस्त्रों को आप जैसे नॉर्मल वस्त्र धुलते वैसे नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, सभी वस्त्रों को एक ही प्रकार से धोने पर उनकी सुंदरता व टिकाऊपन कम हो जाता है। इनको धोते समय विभिन्न विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है ताकि उनका रंग और बनावट ठीक रहे और वो सुंदर दिखे। तो क्या इनको धोते समय हमें क्या करना चाहिए? विभिन्न विभिन्न विधियों का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए ताकि उनका रंग और बनावट है वो ठीक लगे और सुंदर दिखे। ठीक है, वस्त्रों की धुलाई हम जल द्वारा करते हैं, ये तो सबको पता है। और जल के दो प्रकार होते हैं, कठोर जल और एक मृदु जल। ठीक है, कठोर व मृदु जल में अंतर क्या होता है? तो देख लेते हैं। मृदु जल यह पीने में सादा होता है, वस्त्रों में साबुन लगाने पर झाग देता है, वस्त्र साफ धुलता है। ठीक है, कठोर जल ये पीने में हल्का नमकीन या खारा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये पीने में हल्का नमकीन या खारा होता है। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होने के कारण, लिख लीजिएगा, जल कठोर हो जाता है, वस्त्रों में साबुन लगाने पर झाग नहीं निकलता, वस्त्रों में हल्का पीलापन आ जाता है। धुलाई कला से संबंधित जानकारी हमने पिछले वाली क्लास की जो मैंने वीडियो पढ़ाई थी उसमें बताया था। ठीक है, वस्त्र धोने से पूर्व उसमें लगे दाग धब्बों को छुड़ाना बहुत जरूरी है। तो वस्त्र धोने से पहले जो उसमें दाग धब्बे हैं उनको साफ कर लेना बहुत जरूरी है। तो वस्त्रों पर समान दाग धब्बे छुड़ाने की विधि, तो पहली है स्याही के धब्बे। स्याही का दाग तुरंत साबुन तथा पानी से दूर किया जाता है। धब्बे पर नमक, नींबू का रस, ठीक है, या खट्टा दही आदि लगा देना चाहिए। कुछ देर बाद वस्त्र को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। हल्दी के धब्बे छुड़ाने के लिए हल्दी का ताज़ा धब्बा, साबुन या कपड़ा धोने का सोडा गर्म पानी से धोने से छूट जाता है। पुराना धब्बा स्प्रिट में कुछ देर भिगोने से छूटता है। रक्त के धब्बे, तो रक्त का ताज़ा धब्बा नमक लगा के ठंडे पानी में धोने से छूट जाता है। सूती या लिनिन के वस्त्रों को पानी में भिगो के अमोनिया या हाइड्रोजन पैराऑक्साइड लगाना चाहिए। फिर वस्त्र पर 2-3 बार साबुन लगा के धोने से रक्त का धब्बा छूट जाता है। चाय के धब्बे, तो यदि चाय में दूध मिला है तो उसका धब्बा साबुन तथा पानी से छूट जाता है। यदि केवल चाय का धब्बा है तो उसे गर्म पानी से छुड़ा लेना चाहिए। पान के धब्बे के लिए वस्त्र पर हरी मिर्च, कच्चा आलू या दही रगड़ना चाहिए। तेल के धब्बे पर बेबी पाउडर डाल देना चाहिए। कुछ देर बाद पाउडर पूरे तेल को सोख लेते हैं। वस्त्रों में कलफ लगाना, तो सूती वस्त्र में कलफ लगाने के कई लाभ होते हैं, जैसे सूती कपड़ों में सख्ती व कड़ापन आ जाता है। कलफ से कपड़ों में चमक व नवीनता आ जाती है। कलफ लगाने पर कपड़ों की क्रीज अच्छी बनती है। कलफ वस्त्रों के धागों के बीच के स्थान की पूर्ति और इसमें वस्त्रों पर धूल व गंदगी कम जमती है। ठीक है, प्रेस करने में आसानी आती है। ठीक है, अब ये बता रहे कलफ कैसे लगाना है, तो ये विधि है कलफ लगाने की, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साबुदाने का कलफ कैसे लगता है ये देख लीजिए, ये इसकी विधि है साबुदाने की कलफ लगाने की। ठीक है,
ये चावल का कलर बता रहे हैं कैसे लगेगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कलफ के प्रकार। तो कुछ कपड़ों को अधिक या कुछ को कम कड़ा करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कड़ेपन की दृष्टि से कलफ निम्न प्रकार के होते हैं। गाढ़ा कलफ, गाढ़ा कलफ तैयार करने में कम पानी डाला जाता है। जो गाढ़ा कलफ तैयार करते हैं उसमें क्या कम पानी जाता है डाला जाता है, और उसका उपयोग अधिकतर मिलिट्री की ड्रेस पे, ठीक है, कमीज की कॉलर पे, नर्स की टोपी, ठीक है, और बेल्ट आदि पे किया जाता है। मध्यम कलफ, तो गाढ़े कलफ में 2 गुना पानी डालकर मध्यम कलफ तैयार किया जाता है। इसे सूती साड़ियाँ, कमीज, फ्रॉक, कुर्ता, स्कर्ट आदि में लगाते हैं। पतला कलफ, तो पतला गाढ़ देखिए क्या होता है पतला कलफ, तो गाढ़े कलफ में 4 गुना पानी डाल के पतला कलफ तैयार किया जाता है। इसे महीन कपड़ों, चादरों आदि पर लगाते हैं, ठीक है। नील का प्रयोग, तो सूती सफ़ेद वस्त्रों को धोने के बाद उसमें चमक लाने के लिए क्या करते हैं, नील का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं। नील लगाने से क्या लाभ है, देखिए नील ये वाइट कपड़ा है, ठीक है। तो सफ़ेद वस्त्रों का पीलापन दूर करने के लिए इन वस्त्रों में सफ़ेदी आ जाती है, कपड़ों में चमक आ जाती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वस्त्रों में नील कैसे दे, ठीक है। तो सर्वप्रथम एक चेड़े, ठीक है, चेड़े नहीं होगा चौड़े होगा, सॉरी इन्होंने मिसप्रिंट क्लिक कर दिया। तो सर्वप्रथम एक चौड़े बर्तन में इतना पानी लीजिए कि वस्त्र अच्छी तरह से डूब जाए, और एक सफ़ेद कपड़े में नील को बांधकर पोटरी बना लीजिए। कपड़े में डुबोकर गोल गोल घुमाएं, ठीक है, और पोटरी में से छानकर नील पानी में क्या करेगा घुल जाएगा। पाउडर नील के स्थान पर आजकल नील तरह रूप में मिलता है, ठीक है। तो नील पाउडर के स्थान पे आजकल क्या नील तरह रूप में मिलता है, जिसकी 3-4 बूंदें, ठीक है, पानी की बाल्टी में डाली जाती हैं। उजाला नील तो जानते हैं आप लोग ना, तो वैसे ही पाउडर के स्थान पर डालते हैं, ठीक है। तो पाउडर के स्थान पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद गीले वस्त्र को जो है खोल कर झटक दे। अब उस वस्त्र को नीले अब उस वस्त्र को क्या करना है, नील घुले पानी में डुबो कर जल्दी जल्दी उलट पलट दे, ठीक है। कपड़ों में नील लगाने के पश्चात कपड़ों को धूप में सुखाए, तो कपड़ों में नील लगाने के पश्चात धूप में सुखाए ये बता रहे हैं। वस्त्रों पर प्रेस करना, सूती वस्त्रों में कलफ व नील लगाकर सुखाने के बाद हमें प्रेस करनी होती है। वस्त्रों पर प्रेस करने से क्या लाभ होता है, देखिए वस्त्रों पर प्रेस करने से वस्त्रों की सिलवटें जो होती हैं वो दूर हो जाती है, वो समतल हो जाती है, वस्त्रों पर आकर्षण व सुंदरता बढ़ती है, वस्त्रों पर चमक आती है, वस्त्रों की क्रीज बनी रहती है जिससे व्यक्ति स्मार्ट दिखाई देता है, वस्त्र टिकाऊ हो जाते हैं। वस्त्र प्रेस करने से रोग के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। वस्त्र अनेक प्रकार के रेशों से बने होते हैं जो कि गुणों में विभिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, जो गुणों में भिन्न होते हैं। अतः इन पर प्रेस करते समय मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ताप, दबाव, नमी का, ठीक है। ताप याद रखिएगा, ताप, दबाव, नमी का लिख लीजिए। इसे निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। तो सूती वस्त्र पर अधिक ताप, दबाव व नमी। रेशमी पर कम ताप रखना है, दबाव फिर नमी। ऊनी पर बहुत कम दबाव, ताप और अधिक नमी। सिंथेटिक वस्त्र पर हल्का ताप, दबाव, ठीक है, परंतु नमी नहीं। तो ये थे आपकी धुलाई कला। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, ठीक है, ये इसकी एक्सरसाइज है। इसी के साथ आपकी क्लास 8 की SCERT की बुक फिनिश होती है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल